फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नया नोटिफिकेशन और कड़ी कोटे हैं। जिस तरह फ्रेंड्स आप देख सा रहे हैं, सीआरपीएफ की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू रैली का नोटिफिकेशन है जो आप ही के शहर के अंदर होने वाली है। तो फ्रेंड्स 332 पोस्टों के ऊपर है, 29 अक्टूबर से चालू है। तो फ्रेंड्स इसका पूरा डिटेल जानेंगे, पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह रहेगा, इसमें एग्जाम भी होगा क्या, आपके पास पूरा फिजिकल टेस्ट चलेगा क्या, आपका मेडिकल वगैरह सारी चीज हम एक एक करके बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। पर फ्रेंड, जो भी यूजर मेरे इस पे नया आया है, प्लीज इसको आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऑल बने आइकन पे इसको क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही आपको पहुंचे। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारा टारगेट है आपको 2023 से पहले पहले आपको गवर्नमेंट जॉब को प्रोवाइड कराना। फ्रेंड्स मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं और पूरी आपके लिए इतन मन से जुटा हुआ हूं। तो फ्रेंड्स आप भी प्लीज़ तैयारी पे लगे रहिए और आप मेरी द्वारा लाई हुई वैकेंसीज को पूरा प्लीज़ ध्यान से देखिए और आप इसको जुट जाइए। फ्रेंड्स जिस तरह भी आप देख सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा। पर फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ मैटरनिटी स्पोर्ट्समैन इन टू द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2022 इन सीआरपीएफ। तो फ्रेंड्स इन्होंने निकाल रखा है 322 पोस्टों के ऊपर। हम पूरा एक एक चीज़ों को देखेंगे, पर फ्रेंड्स थोड़ा सा पहले आपको मैं बता देता हूँ सीआरपीएफ होती क्या है। फ्रेंड्स सीआरपीएफ अपने पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है जो डायरेक्ट एक होम अफेयर्स के अंडर में आती है। फ्रेंड्स ये डिफेंस में नहीं होती, ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, पर सारे इसके मान बे भत्ते सारे के सारे आपके एक डिफेंस की तरह होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो इससे मेरा आंसर है आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात आ रही है, इसने ग्राउंड ड्यूटी के ऊपर उठाया। तो फ्रेंड्स ग्राउंड ड्यूटी क्या होती है, आप सभी जानते होंगे ग्राउंड ड्यूटी होता है, एक आपके पास क्लर्क होता है, एक आपके पास इसमें टेक्निकल होता है। फ्रेंड्स ग्राउंड ड्यूटी इसके अंदर वो आ जाती है जो आपको बिल्कुल ग्राउंड ड्यूटी पे आपको एक सोल्जर की तरह करनी पड़ती है, चाहे फिर वो उसके लिए लड़ाई के लिए हो या फिर इसके अंदर किसी भी ड्यूटी हो आपको वो करनी पड़ती है। क्लर्क फ्रेंड इसमें ऑफिशियल काम आ जाता है, जिसपे आपके पास टाइपिंग हो गया, ट्रांसलेटर्स हो गए, फाइल मैनेजमेंट हो गया, ऑफिस वर्क इसमें क्लर्क का होता है। फिर फ्रेंड्स इसमें टेक्निकल आ जाता है, टेक्निकल के अंदर आपके पास मशीन गाड़ियों का रख रखाव वगैरह आपके इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप इसमें समझ गए होंगे जीडीपीएस में क्या वैकेंसीज मांग रखी, और फ्रेंड उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सीआरपी में 322 पदों पे उन्होंने 29 तारीख से आवेदन चालू कर दिए हैं। पीडीएफ में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी फ्रेंड्स, जहाँ जाके आप सारी चीज़ देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको हमने बता दिया स्पोर्ट्स कोटा है, आपका पूरा ऑफलाइन भरा जाएगा, 29 अक्टूबर से चालू है और 28/11 तक रहेगा, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब फ्रेंड्स आप इसमें मेल की डिटेल और फीमेल देख सकते हैं कि आप कौन से स्पोर्ट्स से हो और आपके पास कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स मेल की अलग कैटेगरीज है और आपकी फीमेल की अलग है, जिसको हम पूरा बारीकी से देखेंगे। इसी तरह मेल के 257 के पदों के साथ वैकेंसी आई है, उसी फीमेल के इसकी आपकी 65 पदों के साथ आई है। अब फ्रेंड्स बात आती है इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी। फ्रेंड्स इसके अंदर आपको 10+2 के अकॉर्डिंग समकक्ष बोला गया है। एक फ्रेंड इन्होंने एक चीज़ और बोल दी, अगर आपकी जिसकी जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है या फिर वो इस पर बिल्कुल उनके पास अभी डिग्री नहीं है, तो फ्रेंड्स आप उसके लिए इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आती है फ्रेंड्स आपकी एज, इन्होंने एज 18 से 23 साल के बीच के अंदर रखी। अगर आप ओबीसी हैं या आप एसटीएससी हैं तो फ्रेंड्स आपके पास वो इनकी 5 साल और ओबीसी की 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस 100 रुपये की फीस है, अगर आप एसटी या महिला वर्ग के तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आप सामान्य ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस का है, आपका इसमें कोई भी रिटर्न नहीं होने वाला, कोई भी इसमें आपका फिजिकल इतना टफ नहीं होगा, सीधा आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, आपका फिजिकल के मानक देखेंगे कि आपका जो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपके पास फिजिक्स कैसा है। फ्रेंड उसी का अकॉर्डिंग आपको खेल खिलाया जाएगा, आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स के डिग्री है, स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपने मेडल जीते, नंबर ऑफ मेडल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन, मीन्स फ्रेंड जितने ज़्यादा मेडल्स होंगे जितने ज़्यादा आपके पास जीतने के चांसेस होंगे, फिर फ्रेंड्स आपके पास मेडिकल और लास्ट में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो आप इसके अंदर जीत सकते हैं।
फ्रेंड आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली 25 से 81 हज़ार के बीच में रहेगी। लेवल 4 है तो आप मान के चलिए 45 से 48 हज़ार के बीच में इसमें आपकी सैलरी रहेगी। अब बात कर लेते हैं वेट। फ्रेंड्स इन्होंने वेट बिल्कुल एवरेज बॉडी के अकॉर्डिंग निकाल रखा है। ये फीमेल का है, ये मेल का है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं 18 से 22 की लड़कियाँ कितने वेट की होंगी, वैसे 23 से 27, उसी तरह फीमेल 28 से 32 और 33 से 37। फ्रेंड्स आप एक बार अपने अकॉर्डिंग पूरा देख लेना, इसी रेंज में आपका वेट आना चाहिए। उसी तरह मेल कैटेगरी है 18 से 22, उसे 22 से 23 से 27, 28 से 32, 33 से 37, इसमें अपने आप हाइट मैच कर लीजिए। फ्रेंड्स ये उनका निकाला गया है नोटिफिकेशन के अंदर अवेलेबल है। उसी तरह फ्रेंड्स मेल और फीमेल की हाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है। पुरुष की हाइट 170 से 157 महिला की होनी चाहिए। जैसे अगर ST SC है तो फ्रेंड्स आपके पास पुरुष की 162 और अगर आप महिला हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर। उसी तरह फ्रेंड्स अगर आप अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और ईस्टर्न राज्य से आते हैं और आप अनुसूचित जाति से हैं तो फ्रेंड्स आपकी पुरुष की 157 महिला की 147। उसी तरह फ्रेंड्स अगर वामपंथी उग्रवादी के कुछ हैं उसके ST उम्मीदवारों की जो पुरुष की 160 और महिलाओं की 147.5। अगर फ्रेंड गढ़वाली क्षेत्र में से अगर उम्मीदवार हैं तो फ्रेंड्स आपकी जो कुमाऊं डोगरा मराठा असम के अगर हैं तो फ्रेंड्स आपकी फीमेल की 165 फीमेल की 155 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंड्स आप बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी पूर्व राज्यों से आने वाली उम्मीदवार हैं जैसे मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम हो गया तो पुरुषों की हाइट 162 महिलाओं की 152 सेंटीमीटर रहेगी। फ्रेंड उसी तरह अगर दार्जिलिंग और जो तीन आपके जो होते हैं काफ़ी जो स्टेट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल यहाँ चाय के बागान काफ़ी उनका लिख रखा है तो फ्रेंड उनकी पुरुषों की 157 महिलाओं की 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। उसी तरह फ्रेंड चेस्ट का भी देखा जाएगा, इस याद रखना है इसके अंदर महिलाओं का नहीं होता है, सिर्फ पुरुषों का दे रखा है। जैसे आपकी जो मेल है उनकी 80 से 85 होगा जो जनरल्स होंगे, अगर आप ST SC हैं तो 76 से 81, अगर आप अदर श्रेणी है मराठा है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो 78 से 83, अगर फ्रेंड्स आप बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ गए हैं तो फ्रेंड आपका 72 से 81, अगर फ्रेंड्स अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिले होते हैं तो उसमें आपका 76 से 81 रहने वाला है। फ्रेंड उसी तरह अगर आप एप्लीकेशन देख लीजिए आपको कहाँ भेजने पड़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आप तीरंदाजी हैं एथलेटिक है और वेट लिफ्टिंग है तो फ्रेंड्स आपको न्यू दिल्ली के अंदर भेजना पड़ेगा। अगर आप बैडमिंटन स्विमिंग में हैं तो फ्रेंड्स आपको भेजना पड़ेगा हरियाणा, रिक्रूटमेंट आपका गुड़गांव में होगा, इनका आपका दिल्ली में लगने वाला है। इसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप कर सकते हैं। अगर बास्केटबॉल फुटबॉल के हैं तो फ्रेंड्स आपको जलंधर भेजना पड़ेगा जहाँ पे आपका है आपका जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वो भी जलंधर होगा। अगर फ्रेंड जूडो वॉलीबॉल और टकावटो और वुशु से हैं तो फ्रेंड्स आपको राजस्थान अजमेर में आपका सेंटर अजमेर रहने वाला है। अगर फ्रेंड्स आप बॉडी बिल्डिंग और कराटो में से हैं तो आपको नैनीताल जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका काठगोदाम में आपका ट्रेनिंग होगा। अगर आप जिमनास्टिक और हैंडबॉल से हैं तो फ्रेंड्स आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश सेंटर आपका उत्तर प्रदेश रहने वाला है। अगर आप बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग कबड्डी से हैं तो फ्रेंड्स आपको वही सोनीपत मेरठ यहाँ पे जाना पड़ेगा हरियाणा में और आपका सोनीपत के अंदर आपका सिलेक्शन सेंटर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपकी इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दी, 29 से 28 के बीच में डेट चलने वाली, उसके पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। सबसे बड़ी बात आती है कि फॉर्म आपको भरना कैसे, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने पे फ्रेंड्स आप उसको भेजेंगे। फ्रेंड्स अनुसार आपके स्किल क्या करना पड़ेगा, 3 रुपये के फीस के साथ आपको 100 रुपये के भारतीय स्टेट बैंक पोस्टल मनी ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर आप ST SC से आते हैं तो नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उसके बाद में आपको सुपर स्क्रीनिंग लिफाफा और खिलाड़ियों के प्रति आवेदन जिसे आपको लिखना पड़ेगा, खिलाड़ियों की भर्तियों के लिए आवेदन CRPF इतना कोटा 2022 आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 तक आपको भेजेंगे, विज्ञापन अगले दिन। हालांकि पूर्वांचल क्षेत्रों में कुछ इनको 45 दिन का टाइम दिया गया है और आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपको इसको भरने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे, अभी फ्रेंड्स चालू नहीं हुई है, जिस तरह आपको मैं फिर बता रहा हूँ ये आपकी 28-29 से वैकेंसी चालू होगी। अगर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है इसमें कुछ भी आपको चीज़ मिसिंग हुई है, मैं आपको समझे ढंग से नहीं बता पाया, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाइए, आप मुझे पूरी चीज़ पूछ सकते हैं और मैं आपको उसमें पूरी चीज़ समझाऊंगा। अगर फ्रेंड आपको हमारी से आपको हेल्प मिल सकेगी हम आपको उस पर वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी आपको किस तरह इसके लिए अप्लाई करना है। फ्रेंड्स CRPF ने अच्छी वैकेंसी निकाल रखी, आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए।
हमारे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए ऊपर। और फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह हमारा टारगेट है कि आपको सन 2023 तक आपको जॉब पहुंचाना। तो फ्रेंड्स आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, हम ऐसे ही आपके पास वैकेंसी लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर उपस्थित होंगे नई जॉब नई वैकेंसी के साथ। तब तक फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।